इलेक्ट्रॉनिक वेयरहाउस, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला, जहां आप पाएंगे ब्रांडेड कंपनियों में हर रेंज के कूलर, एसी, फ्रिज, डिफ्रीजर, पंखे, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, स्मार्ट टीवी, म्यूजिक सिस्टम, मिक्सर, जूसर और वो सब कुछ जो बनाता है आपकी जिंदगी को आसान। गर्मी के मौसम में स्पेशल ऑफर का मौका न चूके। हमारा पता इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस, आनंद नगर मेन रोड, बीएफ ऑफिस के सामने। संपर्क रविश वाहिती, नहीं खंडवा में अवैध संबंध के चक्कर में एक महिला कातिल बन गई। पत्नी ने अपने प्रेमी जीजा के साथ मिलकर पति की गला दबाकर हत्या कर सर पर सिलबट्टा मार दिया और ब्लेड से हाथों की नसें काट दी। हम बात कर रहे हैं रामनगर चौकी और कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चिरा खदान मल्टी के पास तालाब में एक युवक की लाश मिली थी। जी हां, मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने टीम गठित कर एफएसएल टीम जांच करने मौके पर पहुंचाई थी। हत्या के कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर महिला पुलिस टीम ने शक्ति से पत्नी सवाना से पूछताछ की। महिला काफी नाटक करने के बाद पुलिस के सवालों में ऐसी उलझी कि पूरा मामला पुलिस को महिला ने उगल दिया। महिला ने बताया कि उसका पति संजू बाव ने रोज शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता था। कई बार मारपीट करने के बाद उसने अपने जीजा से प्रेम संबंध बना लिए और घटना वाली रात को जीजा के साथ मिलकर संजू उर्फ संजय को मौत के घाट उतार दिया। देर रात अपने प्रेमी जीजा के साथ मिलकर पति की लाश चटाई और चादर में लपेट कर तालाब किनारे फेंकाए और जो खून से सने कपड़े थे वह दूर झाड़ियों में फेंक दिए। पूरी घटना अपनी बेटी जो कि नाबालिग है सानिया उसने देख लिया। महिला शबाना ने उसे घटना के दिन ही बाहर पहुंचा दिया। पुलिस ने दोनों मुख्य आरोपियों को पकड़ लिया है और पूरी घटना का पुलिस अधीक्षक ललित गठरे ने हत्या के मामले कल एक मृत शरीर मिला चीरा खदान मल्टी के पीछे। संजू बामने नामक व्यक्ति था जिस पर प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि उसके हत्या की गई है। पूछताछ पर यह पाया गया कि उसी की जो पत्नी शवाना और उसका जो जीजा है दोनों ने उसकी मिलकर हत्या मल्टी के अंदर ही की थी। पहले पत्थरों से वार किया और फिर ब्लेड से मल्टीपल वार उसके गले और हाथ में किए गए। इस पर थाना कोतवाली की टीम ने विद इन 10 आवर्स ये पूरे आरोपियों को अरेस्ट किया और इस पर धारा 302 का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग का मामला था। साथ साथ जो संजू बामने था अपनी पत्नी शवाना को लगातार मारपीट और प्रताड़ित करते आ रहा था। किस तरह से गुमराह कर रही थी पूरे मामले में उसकी पत्नी? उसकी पत्नी से जब पूछताछ की गई तो उसने अलग अलग तथ्यों का हवाला दिया कि मेरे पति से पूरी आम जनता परेशान थी, शराब पीता था, लेकिन जब गहनता से इसमें पड़ताल की गई तो उसमें उसकी पत्नी ही आरोपी निकली।